गुजारिश ये करनी थी आपसे कि इलेक्शन आजकल चल रहा है, तो ये तो आम बात हो गई हमारे यहाँ कि जो लीडरान हैं वो आजकल मजहब की बात जरूर करते हैं अपनी तकरीर के अंदर, जितने लीडर हैं ना, ये आम बात हो गई हमारे मुल्क में, कोई बात नहीं। लेकिन पिछले हफ्ते एक लीडर साहिबा हैं, उन्होंने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दी। बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता दीदी, तो वो मुख्यमंत्री जो होता है असल में अपने स्टेट का राजा होता है। तो अच्छा, जितने राज्य होते हैं वो समझते हैं बस अब हम ही रहेंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। आज जहां तुम बैठे हो कल को यहां कोई और होगा, ये दुनिया है। तो ममता बनर्जी ने पिछले हफ्ते तकरीर करते हुए कहा, नाउज बिल्ला, और भी धर्मों का नाम लिया उसने, मैं सिर्फ इस्लाम की बात करता हूं, उसने अलग अलग धार्मिक किताबों का नाम लेते हुए ये भी कहा, फिर कहा कि कुरान शरीफ और जो मुसलमानों की किताब है, उसने कहा नाउज बिल्ला ये आने वाले वक्त में खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो मैंने स्कीमें चलाई हैं लोगों के लिए ये खत्म नहीं होंगी। मतलब उदाहरण देखिए आप, एक मुख्यमंत्री की उदाहरण देखिए कि वो ये कह रही है कि कुरान पाक और बाकी मजहबों का भी उसने नाम लिया कि वो तो खत्म हो सकते हैं, मेरी चलाई हुई स्कीमें खत्म नहीं हो सकती। तो मैं दीदी को कहना चाहूंगा, दीदी जमीन पे नीचे देख के चलना सीखें, गुफ्तगू के दौरान भी अपने अंदर आजजी पैदा करें। अल्लाह को गुरूर बिल्कुल पसंद नहीं है। ईश्वर कहते हो ना जिसको हम पंजाबी में अकाल पुरख कहते हैं, अल्लाह ताला को सारे बंदों से रब रियायत कर लेता है, उसको माने या ना माने। लेकिन जो बंदा खुदा की जमीन पर अकड़ के चलता हो, खुदा की जमीन पर खुदा को चैलेंज करता हो, खुदा की जमीन पर गुरूर की बात करता हो, और इन्होंने तो हद ही कर दी, कह दिया कि फला फला मजहब की और कुरान शरीफ भी खत्म हो जाएगा, ममता बनर्जी की स्कीमें खत्म नहीं होंगी। खुदा को ये बातें गुरूर की पसंद नहीं है। आपने भी चले जाना है, हमने भी चले जाना है, इसलिए सियासत कीजिए लेकिन मजहब को अपनी सियासत के अंदर मत लेके आइए, ताकि खुदा जो है उसकी पकड़ आपके ऊपर ना आए। और आप सबसे भी मेरी गुजारिश है कि जो YouTube और WhatsApp की यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर थोड़ी कम तवज्जो दिया करें, असल जिंदगी में जिए, अपने माशरे को अपने समाज को खूबसूरत बनाइए, मोबाइल की दुनिया से थोड़ा सा बाहर रह के भी जिंदगी गुजारिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्द। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।